A very good morning, students. Today in maths class again we start aptitude assignment 34. Okay, so how we solve it? Let's start. Number one, ये हमारा aptitude book है, page number 38, assignment 34. You solve today we solve in our aptitude book. Okay, so number one is arrange the numbers in increasing order. Increasing means होता है ascending order या फिर smallest to greatest number. सबसे छोटे से सबसे बड़े तक इसको जो हमारे numbers हैं इनको arrange करना. Okay? So here write 10, 37, 64, 29 or 92. So all the numbers we arrange in smallest to greatest. It means increasing order. So first, which number is smallest of all these? 10. So first we write here 10. Okay, we cut here. Next, 37, 64, 29 or 92. Which number come next? 29. 29 is the next smallest number. And next, 37, 64 or 92. Which number come next? 37. Okay, and now we have two numbers, 64 and 92. So which come first? Yes, 64. We write here 64. And last one is 92. So here we arrange all the numbers in smallest to greatest. 10, 29, 37, 64 or 92. Okay, done. Next, 5 tens and 8 ones. So how many tens in 5? 50. 5 tens means 50 plus 8 ones. We write here 8 ones. Okay. So total 50 plus 8 is equal 58. Okay. Next one. The greatest two digit number is. Smallest digit हमारा कौन सा होता है? Smallest two digit number 10 और greatest number 99. Because 100 is three digit number. So before 100, 99 is the greatest two digit number is 99. Okay. Next one is 6 plus 6 plus 6 equal 8 plus. So first we add, जब हम आगे इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें पीछे प्लस करना होता है, तब हम नेक्स्ट सोल्व कर सकते हैं. ओके, तो हमने 6 को यहाँ पर 3 टाइम राइट किया है. सो हम इसको जो ये 6 का टेबल बोल सकते हैं, इससे हमारा ये काफी जल्दी सोल्व हो जाएगा. 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 3 जा 18. सो टोटल इज 18. तो हम 8 में क्या प्लस करें कि हमारा आंसर सेम हो जाए. ओके, तो हम 8 के बाद में नंबर बोलना स्टार्ट करते हैं, और जब हमारा आंसर 18 हो जाएगा तब वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे. तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ओके, सो हाउ वी नंबर्स, कितने नंबर्स हमने काउंट किए हैं 18 तक. नाउ वी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो वी राइट हियर 10. 8 प्लस 10 इज इक्वल 18. सो आंसर इज सेम. पहले हमें पीछे का प्लस करना है. पीछे का आंसर हमारा कितना आया था? 18. तो हम 8 में क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 18 ही आए? तो हमने क्या प्लस किया? 10. ओके, सो आंसर इज 18. हमारे दोनों आंसर सेम है. नेक्स्ट वन इज 20 माइनस 15 इक्वल 50 माइनस. सो व्हाट वी राइट हियर?
चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। 20 माइनस 15, ओके, तो यहां पर क्या है ये, जीरो में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम जीरो का क्या बनाएंगे, 10, और इधर से 1 गया है तो यहां पर 1 राइट करते हैं। तो 10 माइनस 5, 10 में से 5 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 5, ओके, और 1 माइनस 1, 0, तो कितना हुआ, व्हाट वी राइट हेयर, 5, ओके। ये हमारा आंसर क्या था, 20 माइनस 15, 20 में से 5 माइनस करते हैं तो 5 आएगा, ओके, और सॉरी 20 में से हमने 15 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 5। अब हम 15 में से 5 माइनस करते हैं, 15 में से जो हमारा आंसर आया 5, अब ये माइनस करते हैं, सो 5 माइनस 5, 0, और 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, वी राइट हेयर 1, तो क्या आंसर है हमारा, 10, और 15 में से 10 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा, 5, सो आंसर इज इक्वल। पहले हमें पीछे का सोल्व करना है तभी हम नेक्स्ट वाला सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने 20 में से 15 माइनस किया, 20 में से 15 माइनस 5, और 15 में से जब हमने 5 माइनस किया तो क्या हमारा आंसर, 10, सो आंसर इज 10, और 10 में से हम जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, सो वी राइट हेयर 10, डन। एंड नाउ इज सॉल्व नंबर 6, 6 प्लस बॉक्स इक्वल 14, कि 6 में हम कौन सा डिजिट राइट करें कि हमारा आंसर 14 आए, तो सबसे इजी मेथड हमें सोल्व करने का कि हम 6 के बाद में काउंट करना शुरू करते हैं अपने फिंगर पे, जब हमारा आंसर 14 आएगा देन वी स्टॉप, ओके, सो लेट्स 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, सो वी स्टॉप, आंसर हमारा 14 आया, देन वी काउंट ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, सो व्हाट वी राइट हियर, 8, 6 + 8 इज इक्वल 14, 6 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 14, ओके। नंबर 7, 15 टेकन फ्रॉम 35 लीव्स, एक पेड़ पर 35 लीव्स हैं, उसमें से 15 टेकन मींस होता है यहां पर माइनस, उसमें से 15 लीव्स गिर गई, सो हाउ मेनी लीव्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री, वी सॉल्व वन साइड, फर्स्ट वी राइट 35, नेक्स्ट 15, 35 में से 15 माइनस कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं आंसर क्या आता है, 5 माइनस 5, 0, एंड 3 माइनस 1, 2, सो व्हाट इज द आंसर, 20 लीव्स, हाउ मेनी लीव्स आर लेफ्ट, 20, ओके, हमने 35 में से 15 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 20, डन। नेक्स्ट वन नंबर 8, रुपीज 1 इक्वल 75 पैसे प्लस, कि हम इसमें क्या प्लस करें कि हमारा ये 1 रुपीज के इक्वल हो जाए, यू नो वेरी वेल 1 रुपीज इज इक्वल 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इसमें क्या प्लस करें हम, तो इसको हम पहले हम पैसे इस रुपीज के पैसे बनाएंगे 100 पैसे, और उसके नीचे हम 75 राइट करते हैं और इसको हम माइनस करते हैं, ओके, 100 में से हम 75 पैसे माइनस करते हैं, देन वी सॉल्व,
तो यहां पर जीरो है, ऊपर भी जीरो है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसका क्या बनाएंगे, टेन। ओके, टेन माइनस फाइव क्या बनेगा, यस टेन माइनस फाइव फाइव, और यहां पे कितना हो गया था, नाइन, क्योंकि हमने वन टेंस इस साइड में ले लिया। अब हम नाइन में से सेवन माइनस करते हैं, ये हमारी फिंगर है, इसमें थ्री थ्री बॉक्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन में से हमें सेवन माइनस करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हाउ मेनी नंबर्स लेफ्ट, वन टू, सो वी राइट हियर टू। तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे कि ये इक्वल हो जाए, 25 पैसे, 75 पैसे प्लस 25 पैसे इज इक्वल 1 रुपीज। यू नो वेरी वेल 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, हमने 100 पैसे में से 75 पैसे माइनस कर दिए, तो हमारा आंसर क्या निकला, 25 पैसे। अगर इसमें हम 25 पैसे प्लस कर देंगे तो ये हमारे क्या बन जाएगा, 1 रुपीज। ओके डन, नेक्स्ट वन इज 6 + 3 + 7 इक्वल 20 माइनस, पहले हम इसको प्लस करते हैं फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। यस 6 + 3 = 9 एंड 9 + 7 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So we write here 16. 6 plus 3, 9 plus 7, 16. अब हमें इसमें से 20 में से क्या माइनस करें? क्या लिखेंगे यहां पर? चलिए देखते हैं. 20 माइनस, उसके नीचे जो हमारा आंसर आया है इसको राइट करते हैं। ओके तो यहां पर हमने ये जीरो है, ऊपर जीरो में से सिक्स को माइनस नहीं कर सकते, तो जीरो को क्या बनाएंगे हम, टेन, और यहां पर वन, टेन माइनस सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये हमारे टेन हो गए। हमें सिक्स माइनस करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमने सिक्स माइनस किए, हाउ मेनी नंबर्स है, वन टू थ्री फोर, द आंसर इज फोर, और वन माइनस वन जीरो। सो 20 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर सेम आए, वी राइट हेयर फोर, 20 - 4 इज इक्वल, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। ये बहुत इजी है, लेकिन पहले हमें इनको करना है, तभी आप इसको नेक्स्ट को सोल्व कर सकते हैं। हमने 6 + 3 + 7 प्लस किया तो हमारा कितना आया आंसर, 16, और हमने 20 में से 16 को माइनस कर दिया तो कितना हुआ, 4, तो हमें इस बॉक्स में क्या आएगा हमारा, 4, एंड जब हम 20 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 16 इज द सेम आंसर, यहां पर भी 16, क्योंकि हमारे इन दोनों का जो आंसर है वो सेम चाहिए। डन, नेक्स्ट वन नंबर 10, 20 - 10 इक्वल 5 + 5 + सो व्हाट वी फिल इन बॉक्स, तो पहले इनको माइनस कर लेते हैं, 20 - 10 25 - 10। ओके तो यहां पर नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 5 कॉम एज इट इज राइट कर देते हैं, और 2 - 1 2 में से 1 गया 15। ओके तो हम इसमें क्या फिल करिए, कितना हुआ हमारा 15, तो हम इसमें क्या फिल करें कि हमारा आंसर सेम आए, आइए देखते हैं, 5 + 5
10 पहले हम 15 लिखेंगे यहां पर, फिर जो हमारे 5 प्लस 5 10 होते हैं, अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ओके नीचे कोई नंबर नहीं है, हमने यहां पर 5 को एज इट इज राइट कर दिया और 1 माइनस 1 0, सो व्हाट वी राइट हियर 5, देन वी चेक आंसर 5 प्लस 5 10 प्लस 5 इज इक्वल 15। ओके तो हमारा दोनों जो आंसर है वो सेम है, 15 एंड 15। ओके लेकिन पहले हमें इसको सोल्व किया, देन वी सोल्व इट, डन। And now we start number 11. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. So how many times 4? 1, 2, 3, 4, 5. How? 5 times 4. तो हम पहले इसको प्लस करते हैं कि हमारे टोटल क्या है। तो 4 बन जा 4, इसको सबसे इजी है कि हम इसका टेबल बोले 4 का, इसे हम जल्दी ऐड करेंगे। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। सो आंसर इज 20, हमारे कितना हुआ है 20। ओके प्लस इक्वल 10 प्लस ये बॉक्स है प्लस 5, हम इसमें क्या प्लस करें कि हमारा आंसर सेम हो जाए, तो 10 प्लस 5 15, और उसके बाद में हम काउंट करना शुरू कर देते हैं फिंगर पे जब तक हमारा ये 20 तक नहीं आ जाता है। तो 15 के बाद 16 17 18 19 20 20 आते ही हमने स्टॉप किया। सो हाउ मेनी नंबर्स यू काउंट, 1 2 3 4 5, वी राइट हियर 5, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 इज इक्वल 20। ओके तो हमारा दोनों का आंसर सेम हो गया। तो पहले हमने पहले इसको प्लस किया और ये हमारा काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नंबर 12, 8 10s plus 2 1s इक्वल, ये बॉक्स दिया है हमें 10s and 12 1s, तो हमें फिल करना है कि यहां पर कितने टेंस हैं। ओके 8 10s plus 2 1s मींस 8 10s है हमारे पास में और 2 1s है, लेकिन यहां पर 12 1s दिया है। 12 1s मींस इसमें 1 10s हमारा एक इधर चला गया, क्योंकि 12 हो गए 12 1s, तो यहां से हमारा 1 माइनस हो गया। ओके अगर ये 2 रहता तो 2 1s होता, लेकिन यहां पर 12 1s है तो एक माइनस हो गया। तो अगर हम 8 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 7, सो वी राइट हियर 7 10s plus 12 1s, हमारे पास 7 10s है और ये 12 1s है। ओके नेक्स्ट वन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ओड नंबर इज, सबसे छोटा 2 डिजिट स्मॉल नंबर कौन सा होता है ओड नंबर और इवन नंबर, मैंने आपको बताए थे। ओड नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारे ओड नंबर होते हैं, और इवन नंबर 0 2 4 6 8 10 12, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है हमारा, 9 के 9 हमारा सिंगल है, 9 के बाद में 11 आता है, तो 11 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके 11 इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर। नेक्स्ट वन नंबर 14, द नेक्स्ट इवन नंबर आफ्टर 32 इज, 32 के बाद में नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताए थे इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 10 12
14, 16 हमारे इवन नंबर होते हैं, तो 12 के बाद 32 के बाद में वन वन डिजिट आपको लेफ्ट करना है। तो 32 के बाद में कौन सा है हमारा 33, हमने 33 हमारा ओड नंबर है और नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर 34 इज द नेक्स्ट इवन नंबर। एंड नेक्स्ट वन इज इंसर्ट, ये हमारे साइन है जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसकी साइन है कि हमें इसकी तरफ को लगाना इन द बॉक्स। तो हमें यहाँ पर नंबर दिए हैं 58 और ये हमारा बॉक्स है, इसमें हमें जो हमारे साइन है उसको यूज करना है 8 10s एंड 5 1s। इसमें से कौन सा बड़ा है, 58 बड़ा है या फिर 8 10s और 5 1s? 8 10s 5 1s मीन्स 85। तो 58 बड़ा है या फिर 85? यस 85 इज द ग्रेटेस्ट, सो वी मेक अ साइन दिस साइड। ओके सो टुडे वी सॉल्व असाइनमेंट 34 इन एप्टीट्यूड। फर्स्ट यू वॉच वीडियो केयरफुली एंड देन यू सॉल्व इन योर एप्टीट्यूड बुक पेज नंबर 38। ओके सो फर्स्ट वॉच वीडियो एंड देन यू सॉल्व वन बाय वन नंबर 1 to 15 वेरी केयरफुली। ओके थैंक यू।